ये लोग डर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान में ना आ जाए, तो इस मुतलिक आप क्या कहते हैं? ये सारा चाइना के लिए, बहुत लोगों ने हमको बोला जब इंटरव्यू देता है चाइना के लिए दुआ करो। चाइना के लिए क्या दुआ करे, वो जालिम लोग ना गधे का गोश्त छोड़ता है, ना कुत्ते का गोश्त छोड़ता है, ना सांप छोड़ता है, सारा बिल्लियों को जालिमों ने मारा है। इस लोगों के लिए क्या दुआ करे, सारा सादारों को इलाल करता है, कबाब करके खाता है। इस लोगों के लिए रात दिन दुआ करो, ये दुआ कबूल नहीं होएगा। सारे जानवरों का बदवा ने जालिमों को पकड़ा है, वो दो टांग वाला चार टांग वाला कुछ नहीं छोड़ता है। अभी बोलते सारा बीमार इधर भेजेगा, अभी कुत्ते घोड़े गद्दे का बीमारी हम लोगों को भी पकड़ेगा। अभी इसीलिए हम फौज को बोलते हैं अल्लाह को मानो, चाइना का मरीजों को इधर मत छोड़ो, हम लोग पहले का दिखाई स्टार्ट है। नहीं, हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। ये बीमारी यहाँ आ गई तो आप क्या समझते हैं? ये आ गया इस लोगों के लिए, पहले सरकार वो लंबा लंबा गद्दे का सुई तैयार करके रखे, वो घोड़ा अस्पताल वाला डॉक्टर लोग पहले का परेशान है, आधे को तनख्वाह मिला है आधे को नहीं मिला है, हर दिन भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, वो घोड़ा अस्पताल वाला और परेशान है। तो वो अभी गधे वाला इंजेक्शन तैयार रखे, अभी चाइना वालों की सारा जोटो कराटो वाला है, इस लोग को छोटा सुई असर नहीं करेगा। किसी को सांप का बीमारी है, किसी को कुत्ते का बीमारी है, इसीलिए जानवरों का बदवा ने पकड़ा है, अभी सारा इधर आ रहा है। सरकार ने इधर छोड़ा, फिर हम लोग भी तबाह हो जाएगा।